साहब जिंदाबाद, शर्मा साहब जिंदाबाद, शर्मा साहब आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम आदाब। अगर कुछ गलतियां भी हो जाएंगी बोलने में, ताकि हम मैं बोलना नहीं जानता हूं। 5 साल मैंने भी देखा, मेरे ही घर में हुकूमत थी, सरपंच भी, डीडीसी भी और साथ में मेंबर भी। 5 साल में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और ना मैं मांगना जानता हूं। 5 साल जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, आप लोगों के बीच में ही मैं भी होता था। जब मुझे फायदा नहीं हुआ तो अब आपको कहां से होगा? मैंने चेतावनी भी दी थी कि 7 दिन मेरी तरफ से है, कुछ भी है तो सामने आ जाओ। 8वां दिन मेरा है, वो आज था। रही फिर शर्मा साहब की बात, रही शर्मा साहब की बात, इन्होंने भी काफी वक्त निकाला है सूरी साहब के साथ, वारपेट बुजो, इन्होंने भी अपना वक्त उनको दिया है। लेकिन जब इनको पता चला है कि नुकसान में हो रहा है इंद्रवाल, तो इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। जब मैंने सोचा कि मेरी पंचायत जितने यहाँ है, कि यही एक शर्मा साहब है जो गरीब का हक उस तक पहुंचाएगा, तो आज मैंने इनके साथ हाथ मिलाया। और मैं ना कसम करता हूं, जो जुबान से बोलूंगा वही लकीर है। मैं कसम करने वाला बंदा नहीं हूं, जो मैं बोलूंगा सामने बोलूंगा वो सच होगा। तो टाइम की कमी की वजह से अभी सर को काफी चलना भी है, तो आपसे अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो माफ करना।